हनुमान को आगमन भयो हेर्नुस्। हनुमान चाहिँ के बोल्यो भने जय हनुमान जय हनुमान। ओहो हो 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 हनुमान बाबाजी मेरे पास तो टीका लगा कर देने के लिए पैसे तो नहीं, लेकिन बात करूंगा वीडियो बना के। पैसा चाहिए हमको, पैसे के लिए हम लोग बने नहीं, आशीर्वाद के लिए। क्या बात है, क्या बात है। ओम कालर कष्टर रघुनाथ दुखर दास जर हर हर महादेव साहब हर हर काला हर दुखर। बाबा जी आप नागा बाबा है, नागा बाबा ये खरानी शरीर भरी खरानी क्यों पहने हुए? रूप बनाने के लिए, रूप बनाने के लिए। हमारा दिगंबर रूप हो जाता है, नागा बाबा वही कहलाता है, बाकी नहीं। भस्मी लगाना हमारा कर्म, प्रतिदिन का कर्म है। ये किसका भस्म है? वो श्रीखंड का। हाँ, काशी का, काशी का, महाकाल का। ये बहुत सुना कर आप तो बहुत हैंडसम हो गया। बाबा जी आप तो बहुत हैंडसम लग रहे हैं। कब जाएंगे पशुपतिनाथ से? रिटर्न कब होंगे? लेकिन 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 कॉल हमने हमने सुना है आप जैसे बाबा बाबा का ग्रुप ने एक एक लोग को मार दिया, लट्ठी लट्ठी ने मार दिया। मालूम नहीं है, आप तो नहीं मारते ना। रीस 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 क्रोध द्वेष भय कुछ नहीं है आपके पास? साधना करते हो? करते हैं। नेपाल में मैं भी सन्यासी हूँ बाबा जी। नेपाल में हम रहते हैं। नेपाल की कौन सी जगह पे रहते हो? हम रहते हैं शिमले में, महादेव जी। हाँ शिमले में रहते हैं बाबा जी। ये वो बड़ा बड़ा वाला क्या पहने हैं बाबा जी? केरवा का माला है। केरवा का माला है। ये पहन के क्या होता है? इसको पहनने से तन मन सुख शांति मिलती है। और क्या, शरीर का शांति। हाँ। शरीर बीमार नहीं होगा। हाँ। एकदम कनाकन है। केरवा पहनने से कैसे? बाबा जी वो चिलिम्बी चिलिम्बी लेते हो आप? चिलिम्बी मैं ऐसा वाला लेते, इसीलिए मेरा जैसा ज्ञान हो रहा है आपका। सिकुड़ गया है ना, सिकुड़ गया ज्ञान। बाबा का ज्ञान सिकुड़ गए। जय शंभो हर हर महादेव। बोलो बाबा जी एक बार फिर। अगर 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 मैं अगर मैं ढेर सारे वो बैठ के बात किया तो आपका व्यापार खत्म हो जाएगा बाबा जी? चलते हैं, दुकान नहीं है बाबा जी। आशीर्वाद है बाबा जी का। नागा बाबा जी की जय हो। जय शंभो, जय शंभो। बुद्ध आए, भगवान कृष्ण आए, जितने भी 24 अवतार किसी रूप में आए, मनुष्य रूप में आए, तो इसलिए अंतिम में भगवान ही आएगा। आप कुछ भी करो, हमारा ज्ञान जहाँ लास्ट होगा ना, जहाँ से ना भगवान तो पशुपतिनाथ में। ये तो हाँ, वो तो घट में। अंदर क्या मिलेगा? अंदर सब कुछ है, अंदर है वही बाहर है। जो अंदर है वही बाहर है। और क्या, ईश्वर का सर्व बात बहुत अच्छा लगा, मैं रख लेता हूँ इधर। वो को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास है कि नहीं? वही शिव है, जीव ही शिव है, जो जान गए तो शिव। हम शिव हम ब्रह्मा तू कर है कि नहीं? जो शंकराचार्य हम तो इतना नहीं कर सकते है कि नहीं? सब घट मेरा साइया, खाली घट ना कोई रखता है, कबीर दास जी बोल रहे हैं। वो को कहाँ ढूंढे बंदे। बाबा का नाम क्या है? अब क्या करिए, नाम इसमें नाम तो है, जो अब चीज़ है बढ़िया, अपना जानकारी है अपने अपने पुलिस। इसलिए भगवान ही आए, भगवान ही परमात्मा जो है, ईश्वर है, मनुष्य रूप में आके परमात्मा वो बताए सबको, जितने इसलिए पंथ भी चला। बाबा जी का आध्यात्मिक नाम क्या है बाबा जी? आध्यात्मिक नाम त्रिलोकपुरी। त्रिलोकपुरी। आप संत ढेर सारे भिन्न भिन्न किस्म के संत है ना, आप कौन सी संत है? अब कबीर दास जी कहते नदिया एक घाट बहुत तेरे, कहे कबीर समझ के फेरे। सिद्दीक साईं बाबा क्या बोलते, सबका मालिक एक। अब यहाँ सूर्य दूसरा थोड़ी है, वही पाकिस्तान में, वही हिंदुस्तान में, वही नेपाल में। देख वो तो ठीक है, लेकिन वो गला में आपने क्या क्या धारण किया? अभी रुद्राक्ष है, एक मुखी नहीं, दो मुखी है। दो मुखी, पंचमुखी है, पंचमुखी है। दो मुखी से पंचमुखी मुखी तक। बाबा जी आप नंगे बाबा है? नहीं नंगे बाबा नहीं, नंगे बाबा का शिष्य है। हम पूरी में से है, गिरी पूरी भारती सरस्वती। तीन मुखी है, तीन मुखी। वैसे ही है जैसे गुरु लोग बताते हैं कि मन में इच्छा रहता है। एक मुखी नहीं है आपके पास? अब ये होता तो फिर कहते हैं ये ढूंढ रहे हैं, लेकिन नकली एक से पूछा कि हमने कि भाई एक मुखी नेपाल में मिलता है तो प्रभु दे दीजिए, कोई और दे दे। अब जो जो हमारा समर्थ है तो हमने ढूंढा, ये छह मुखी है, यही मिल गए पशुपतिनाथ। अभी जा रहे हैं छह मुखी।
वो तो यहीं से लिया है, आप लोगों से लिया है, वो तो आपके पास है और क्या है कि नहीं ये मिल गया। क्या क्या इसका विशेषता क्या है? अलग अलग है, षडभुज बोलते हैं, जैसे भगवान शंकर के बेटा कार्तिकीय है, एक मुखी को भगवान शंकर की एक नेत्र बोलते हैं, दो मुखी दो नेत्र, ऐसे संतों से सुना हमको, ये तीन मुखी तीन नेत्र भगवान शंकर के आंसू से, तो आप जानते ही इतना है कि नहीं जी। आप ब्रह्मचारी हो? अब ब्रह्मचारी अब यही है नहीं क्या कहें हम, ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी नहीं है, ढेर सारे ना, जैसे कहते ना शादी नहीं किए तो ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी तो जो हनुमान जी हुए और भीष्म पितामह हुए ऐसे है, अब एक शादी नहीं किए तो उस नाते तो ब्रह्मचारी है, लेकिन आप लोग समझ रहे हैं इतना भी। बाबा जी वो ढेर सारे गुरु जी और वो संत है जो आपको कहते हैं ब्रह्मचारी, फिर लड़की को बलात्कार भी करते, विकृति फैला है ना, हो जाता है, ऐसा नहीं करना चाहिए, समय के अनुसार जो है, लेकिन जो है क्या है। आप बाबा जी कैसे हुआ महाशिवरात्रि? बहुत बढ़िया हुआ, बढ़िया हुआ, क्या भोलेनाथ का आनंद, इसी में सुन उनके प्रेम, आध्यात्मिक जो विश्वास, परमात्मा कहाँ है तो इसी में छुपे हुए कहते हैं ना, एक ही साधु या परमात्मा इसी रूप में छुपे रहते हैं। आपने और एक जगह कहते हैं आपने जिन संतन पशुपतिनाथ के साक्षात दर्शन किया कि नहीं किया? साक्षात तो भाई भगवान जो मंदिर में उनका दर्शन किया है, और साक्षात साक्षात माने तो आप जैसे पशुपति आए इसको मानते हैं साक्षात है कि नहीं, और ऐसे मंदिर में जो दर्शन कर रहे हैं इसको साक्षात कैसे आए हैं? और भारत से आए हैं बोले, अब आए उज्जैन से आए हैं, उज्जैन से कितना टाइम लगता है उधर से इधर आने में? अब आने में तो आने वाले के लिए घूमते घूमते आए, तीन चार दिन में आए, रुकते हुए प्रयागराज में रुके थे, प्रयागराज में रुके थे, वहाँ से पूनम किए, फिर वहाँ से जैसे बाबा जी कुछ लोग अंदर बैठते हैं, आप लोग आगे इधर बैठते हैं, इसमें क्या है? आप लोग अंदर रहते हैं ना, जो नागा है, जो नागा है उनको मेन जो है अखाड़ा के जो संस्कार होते हैं शंकराचार्य के, जो मेन नागा है वो जो फौज होता है ना, आप समझ रहे हैं, फौज होता है बॉर्डर में करता है, तो मेन कमान वो शंकराचार्य भगवान ने स्थापित किया है, अपने महापुरुष में है जो नागा होता है, लिंक दिगंबर में है वो, उसमें से अपने भी है, अपने भी पूर्व से नागा संस्कार ने कराया है, और उस तरह के तो सरस्वती ये सब संन्यास के जो है भाई की तरह चार ये है शाखा है, मेन संन्यास है उसमें नागा, उसके सब में नागा होते हैं। ये शिवरात्रि का मौत क्या होता है, आप इंडिया में कैसे लोग मनाते हैं? ऐसे बहुत दूर दूर से आते हैं ना, ऐसे ही मनाते हैं, वहाँ भोलेनाथ का वहाँ देख महाकाल है, जूनागढ़ है, वहाँ सब नागा इतना जो यहाँ मनाते हैं उसी तरह से वहाँ भी मनाते हैं, भांग घोटना दम लगाना मस्ती भी भोलेनाथ की जो यहाँ जैसे मना रहे हैं। नेपाल आप पहली बार आए हैं कि ये कितना टाइम हुआ इधर आए? नेपाल आए हमको तीसरा बार है, तीसरा बार है, कैसा लगता है नेपाल? नेपाल में बहुत बढ़िया है, कोई अंतर नहीं लगता है, रहोगे तो इंडिया और नेपाल में कोई अंतर ही नहीं लगता, कोई अंतर नहीं लगता है, बहुत अच्छा भाव, वहाँ से आए महाराज कहाँ जाओगे, ठीक है इंडिया इंडिया का नेता ने नेपाल चलाया हुआ है इसीलिए नेपाल इंडिया सेम ही है, सेम ही है, धरती भी वही है, वो जो सनातन एक परंपरा रहा है ना वो एक है, अंतर नहीं है, हमारे आपके विचार में जब मूल में जाएंगे ना तो एक ही है, है कि नहीं, इसलिए वो बाबा जी कब लौटेंगे? बाबा जी हमने हमने सुना है एक वो नेपाली को नागा बाबा का ग्रुप ने पिटाए, कल उधर नागा बाबा ने पिटाए, टीम ने पिटाए नेपाली को, उसमें कहना नेपाली बदनाम हो, पूरा नेपाल को बदनाम होता है, एक व्यक्ति हमने गलत कर दिया, जैसे साधु अब गलत कोई ये कर देता है, जैसे आपने कहा कि ब्रह्मचारी ने ऐसा कर दिया, साधु में से तो हो जाता है कभी समय परिस्थिति के कारण, अब साधु ने ऐसा कर दिया तो हो गया, नहीं, अब एक आदमी ने गलत कोई ऐसे गलती किया होगा, मान लो कोई चोरी वगैरह या तो कोई उसकी गलती होगा, शराब वगैरह कोई भी आया तो उसके साथ भी बाबा जी के साथ में कभी बाबा जी को भी गुस्सा आता है, आध्यात्मिक लोगों को तो गुस्सा माया मोह डर वो गुस्सा का आता है, लेकिन उसको तरीका बदल देता है, आप समझ रहे हैं, देखो सन्यास लिया अग्नि का त्याग बोल रहा है, गीता में कर त्याग नहीं बोलते, अंदर से मन का सन्यास का ये होता है, वो जाता नहीं है उसको बोलता है, मन में रहता है, अंदर में काम क्रोध लोभ रहता है, तरीका बदल देता है, जो है वही बोल रहे हैं, इस बात में बड़ा खुश लग रहा है मेरे को, आप समझ सत्य बात बोल रहे हैं, इसे साधु को क्या चाहिए,
शरीर रक्षा के लिए भोजन पैसा क्यों करते, जो असली संन्यास नहीं है केवल भोजन भिक्षा मांग उसी में, लेकिन गुस्सा रहता है, बड़े बड़े भगवान भी आए तो उसके तो महाभारत क्यों कराते, गुस्सा करेगा लेकिन धर्म के लिए तो वो हितकर हो जाता है। आप समझ रहे, जैसे भगवान शंकर ने क्या किया, विष का पान किया संसार के हित के लिए, जगत कल्याण के, उसी तरह साधु जो है गुस्सा भी करते हैं, प्रलय कर देते हैं महाकाल, भोलेनाथ जो है आप समझ रहे हैं, उसको तरीका बदल देते। अगर वो नागा बाबा को इधर आके आशिक ले कहते हैं ना नागा बाबा, अगर आशिक नहीं लिया तो गर्भदशा में खराब हो जाएंगे। इतना मेरे को पता नहीं है तरीका है, जब धर्म की जब ये कर रहे हैं भगवान, यदा यदा ही धर्म, भगवान भी आया, अधर्म ज्यादा हो जाता है तो महापुरुष या भगवान ही आके जो है धर्म की रक्षा के लिए, तो उस समय क्रोध करना अच्छा है, आप समझ, आपको छेड़ेगा, परेशान करेगा आपको, आपके साथ में जो आपका सच्चाई है शांति को भंग करेगा तो आप गुस्सा करो, आपके लिए हित करे, इसलिए भगवान ने महाभारत का धर्म की स्थापना की है। इसलिए भगवान शंकराचार्य ने देखे कि यहाँ सनातन धर्म का विरोध करने के लिए बहुत ज्यादा यहाँ तांडव करने लग गए थे, और जो दूसरे धर्म वाले तो उसने फौज की तरह धर्म रक्षा के लिए मर मिटने अपना बाबा जी धर्म निधनम श्रेय। आज आज वो एक बात दिखाते लोगों को, इंडिया से बाबा क्या क्या लेके आते हैं, झोला में क्या क्या लेके आ रहे हैं, लाएगा ज्यादा ज्यादा भांग दिखाना 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 मिलता है कि नहीं, बाकी अंदर बैठा हुआ अपने कला से अब धुना चेतन किया, भगवान का भजन करेगा, जो दम वाले दम लगाए उसमें शक्ति है, जड़ी बूटी रख लिया, ये आशीर्वाद दे बाबा जी, शक्ति है, दिखा सकते हो आप अब बैग में क्या है, माला है, माला है, माला है और है, ये बंदा को बहुत देखने का शौक है, बाबा जी क्या क्या लेके आता है, रुद्राक्ष और सोना सोना लेके आता है, वो देखा है नागा बाबा के पास क्या है, शरीर है बोले कुछ भी नहीं अपने, ये है भजन, खाली भगवा कपड़ा है, ज्यादा भभूति दे देगा बाबा जी, बाबा जी वो आत्मिक शक्ति जो भजन का ऊर्जा है, नागा बाबा लिंग दर्शन करके वो ठीक हो जाएगा, ऐसे गर्द से ठीक हो जाएगा, ऐसे बोल के दर्शन कराते लिंग, वो तो विकृति हो गए ना, अंदर विश्वास है ना, हमारे अंदर विश्वास, श्रद्धा विश्वास रूप बनो, हम विश्वास ही शंकर जी है, विकृति हो गया ना वो, ऐसा श्रद्धा उसके गलत ये करोगे तो आपको गलत ये है, आप जैसे उसके लिंगेश्वर महादेव की जय के करो, निकालते दिखाते सब भोलेनाथ की है, आकाशे ताड़कलिंगम पाताले हाटकेश्वरम मृत्युलोके महाकालम सर्वलिंगम नमस्तुते, इसीलिए सब भगवान भोलेनाथ के ज्योतिर्लिंग जो 12 ज्योतिर्लिंग हमारे आपके अंदर सबके अंदर में लिंग रूप में, जिसको लिंग तो ये दिखाना तो नहीं चाहिए ना, अरे उसी रूप में अंदर में जब ज्ञान है तो इस भाव से जो है नागा ये किए तभी तो फिर होने है, नागा के नाम लेकर, नागा संन्यास का नाम लेकर विकृति फैला रहा है, दिखा रहा है लिंग लोगो, विकृति नहीं सनातन धर्म से हमारा विचार एक ये है, पहले सनातन परंपरा चल रही है वैसे में धर्म का ये है अंग है, हम उसका दुरुपयोग, अब जैसे अग्नि है, अब किसी का इधर उधर झोपड़ी पट्टी जला दोगे तो गलत है ना, इसमें भोजन बनाते अग्नि देवता है, इसे सारा संसार प्रकाशित कर रहे हैं, लिंग प्रदर्शन करने वाला बाबा वो लड़की को बलात्कार नहीं करते, ऐसा कैसे विश्वास करेंगे, अरे ये गलत गलत नहीं है, ठीक है अब उस समय का प्रभाव ऐसे आऊंगा मैं आऊंगा, क्योंकि धर्म का है जो बनाए हैं, ठीक है बाबा जी, बाबा जी आपने वो मेरा मन का ढेर सारे क्वेश्चन का उत्तर दिया, मैं बहुत प्रसन्न हूँ बाबा जी, बहुत खुश हूँ, धन्यवाद आपका, नारायण बाबा जी ने बैग भी दिखाया, इंडिया से क्या लेके आते है वो भी दिखाया, धन्यवाद बाबा जी, मोहन साधनामा हुनुहुन्छ अनि उहाँ चाहिँ इन्डियाबाट आउनु भएको, उहाँले चाहिँ लेखेर हामीलाई उत्तर दिनुहुन्छ, नागा क्रिया काम लेख्नु भएको छ, महाकाल उज्जैन महाकालबाट आउनु भएको, बाबाजी आफ्नै लेख्नेमै दिक्कत है इसीले ठिक है, धन्यवाद बाबाजी, नहीं काम बासना नहीं, ओ नागा क्रिया काम बासना नहीं, ओ वाला वो लिंग दिखाते है ना वो काम का नहीं है, काम बासने के लिए नहीं, देखने के लिए नहीं, वो ढोके क्या होता है लिंग ढोके, ओ लड़की दर्शन करके क्या होता है, हर चीज प्राप्त हो गया भाई, सिद्ध प्राप्त हो गया तो मनुष्य लेने का जन्म लेने का तो उद्देश्य पूरा हो गया, ऐसा समझ लो मोक्ष मूल, बोला नागा, ओ ठीक है धन्यवाद बाबू जी, योग बराग शंख गदा पदुम चाक्षु दर्शन अर्थ धाम काम
वासना शांत करने से तब मोक्ष का प्राप्ति होता है। काम वासना नहीं करेगा मुझसे नहीं मिलेगा, काम वासना नहीं करेगा मुझसे नहीं मिलेगा। काम वासना अपना बस में रखना होता है, ठीक है। हाँ तब होगा, तब कुछ होगा। हीरा रतन जतन करू, हीरा रतन जतन करू, होखे न जियाना, तब आई तोरला सतलोक से बिमाना। ए बाबन जी ने कहा वो काम वासना में जो कुछ फेंकते हैं ना लोग, उस वो हीरा जवेरा जैसा है, उसको बचना चाहिए, साकर रखना चाहिए। हीरा तूल है, जब लग तेल दिया में बात सूझ करे सब कोई हो, वो बचना चाहिए, फालना नहीं चाहिए। लोगों तो वो बाथरूम जाके फालते हैं, वो फालना नहीं चाहिए, नहीं करना चाहिए, वही तो है। ठीक ठीक। काला भीतर सकल पदार्थ, काला भीतर सकल पदार्थ, भरल माल खजाना, बिनु सतगुरु बिनु कोई चिन्हत नाही, ताही में वस्तु दहाना हो। तो वस्तु तो वही, तो मूल वस्तु तो वही है, हीरा रतन जतन है, मनी वही न है। हाँ उसको नहीं रखना चाहिए, उसको बचा कर। बाबा जी आप सन्यास क्या है आपका? नागा सन्यास और सन्यास का ढेर सारे है ना। आप कैसे सन्यासी है? कहा गया है सत्यम शिवम नमामि समिषम सत्यम तत्वम विचारम सत्य ज्ञानम कर्म योग्यम सदा सन्यासिया। सत्य विचार रहना चाहिए, सत्य ज्ञान रहना। बाबा जी आपने वो निधार पे क्या रखा है? हम यही कहा को बिंदी संप्रदाय के हैं, बिंदी संप्रदाय चंदन है, चंदन है, चंदन हाँ वैष्णव है। ठीक है बाबा जी, ठीक है। कहा गया है पत्नी के परमेश्वर माने, कीट बन के भोग के, चेतन पुरुष चेतन नाही, चेरी बना माया के, दिन दिन खून सुखल जाए, ठिकी न रहे काया के, कहे जगदीश सुनहु जगदीशा, चंदन में न व्यापे बीसा, सुगर कुकुर नियर दिन बीतल चाट चाट के हार दिन, मल मूत्र के नाला इमे बा काम बासना करता है। दूसरा है कथी, मामा माया रूप दिखाई, हीरा रतन झार ले जाई, मामा माया लटपट है भारी, हीरा रतन जतन करू, होखे न जियाना। जतन करने में तो बहुत बहुत वो है ना, तेज बेगम रोकतम नीला कंठम दयालम होत कंचना, अपना तेज के रोक लिए हम तो रोक नहीं सकते, हम तो रोक नहीं सकते। काहे नहीं तो ओंकार सतनाम जपा जपू करू, जब काम बसना सतावे ना, अगर वो काम बसने रोक दिया ना, दबा दिया ना, तो फिर सपने में आ जाएगा काम बसना, सपने में आ जाएगा, सपने में आ जाएगा। क्या बोलेगा? चुप। हाँ। एक बूंद नहीं गिरना चाहिए, हाँ। दोष होना चाहिए, हाँ। लाला लिख लिख के गए भजन करे का है भग में गया, हाँ। भग में लिंग लिंग में पारा जो जीते सोई समा हमारा, भग में लिंग स्मरण नहीं करना है तब न होगा। ओ ऐसा करना चाहिए, ओ सेक्स से बचने के लिए सेक्स नहीं दबाना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। अगर सेक्स में मन लग गया तो ऐसा करना चाहिए। सुनिए सेक्स जब इंद्रिय खाए हो ना, कौन सी चक्र चक्र में असर करते हो? ठीक है बाबा जी। इंद्रिय जब इंद्रिय कहाँ कराए विश्रामा, इंद्रिय जब तेज ईशु आए ना, काम बसना सताए, काम बसना सताए इंद्रिय, तब कहा को कि ध्यान लगाना चाहिए, ओंकार एक सतनाम ओंकार। ओ सांसारिक जीवन में कम ध्यान लगाएगा अगर वो मुरझाए, ओम ओंकार जो है ना सतनाम, ओंकार के जप करने से काम गया मुरझाए, मुरझा जाता है नहीं सताता है। सुन लीजिए ना बाबा जी, ओ ओ ओ सांसारिक जीवन में कौन अगर काम आ गया तो लोग टॉयलेट जाते, ऐसे बाथरूम जाते हैं लोग। यहाँ छोड़ो,
चल थाने चल, तो यहाँ निकालो, हमने बोला चल चौकी, यहाँ निकालो पहले।